हेलो 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 हेलो, ठीक है यस ठीक है, चालू करो ना। हेलो स्टूडेंट, बेसिकली दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट 2014 फॉर 2 मार्क्स। यस, नाउ जस्ट माइंड द क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो जैसे मेरे से कह रहा है कि ये बताइएगा कि जो मेरे पास सर्किट दिया, इसका स्मॉल सिग्नल वोल्टेज गेन क्या होगा, वी नॉट अपॉन वी आई। तो आप इसको देखिए ध्यान से। तो आपने इनपुट कहाँ लगा रखा है, बेस पे, आउटपुट कहाँ पे आपका है, कलेक्टर पे। ओके, सो इट शुड बी आई से दिस कॉमन एमिटर कॉन्फिगेशन। तो कॉमन एमिटर आपके दो है, कॉमन एमिटर विद बाईपास एंड विदाउट बाईपास। तो कई बार हम आपको सजेस्ट करते हैं कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इनके आप स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखिएगा। मॉडल ओपन करेंगे तो आपका काफी टाइम किल हो जाता है। हाँ, इवन वी कैन ओपन द मॉडल एंड वी कैन सॉल्व इट, नो प्रॉब्लम। बट आई सजेस्ट कि अगर कॉमन एमिटर विद बाईपास एंड विदाउट बाईपास है तो उनके आप रिजल्ट याद रखिएगा। तो फटाफट आप उन रिजल्ट को लगाएंगे, आपके आंसर आ जाएंगे। अब जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे कि कहीं ना कहीं इसका अगर स्मॉल सिग्नल बनाने की स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करने से पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे BJT को इसके स्मॉल सिग्नल मॉडल से रिप्लेस करना पड़ेगा, और जब भी हम इसकी एसी एनालिसिस करेंगे सो वी नीड टू डिसेबल द डीसी सिग्नल। तो डीसी को हटाना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, तो हम डीसी को क्या कर देंगे, यहाँ पे हम डिसेबल कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि सर कैपेसिटर भी क्या होंगे आपके मीडियम फ्रीक्वेंसी पे, अगर बात करें बाय डिफॉल्ट वी कैलकुलेट एट द मीडियम फ्रीक्वेंसी वोल्टेज गेन। तो ये भी कैपेसिटेंस आपके क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, भी शॉर्ट हो जाएगा, तो ये भी डेड हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा सिचुएशन ऑन माइंड करें तो यहाँ पे मेरे पास एमीटर है और ये फिर मेरे पास ग्राउंड हो जाएगा। तो एमीटर और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस आ रहा है, तो वी कैन कंसीडर दिस सर्किट लाइक ए व्हाट कॉमन एमीटर विदाउट बाईपास। ओके, क्योंकि ये 10 ओम आपका यहाँ पे रह जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, आपको एसी एनालिसिस करनी है, डीसी को आपने डिसेबल कर दिया, इसका मीडियम फ्रीक्वेंसी बनाने की कोशिश करी, ये शॉर्ट ये भी शॉर्ट, तो ये डेड हो जाएगा। बट वीसी जब उसको हम बना रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एमीटर और ग्राउंड के बीच मेरे पास क्या रहा है, एक रेजिस्टेंस आ रहा है। तो 100% आई से कि ये किस तरह के कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं इसमें आप। तो आपने बोला सर ये हो सकता है आपका क्या कॉमन एमिटर विदाउट बाईपास। तो अब आप चाहो तो इसका मॉडल ओपन कर दो इस BJT का और फिर केबल केशन लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर पता चल गया कि कॉमन एमिटर ये विदाउट बाईपास, यू कैन पुट द रिजल्ट डायरेक्टली, वी नो दिस रिजल्ट, व्हाट दिस माइनस HFE इनटू RL डैश अपॉन क्या हो जाएगा यहां से HI 1 प्लस HFE इनटू RE। तो दिस इज बेसिकली द AB। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे मेरे पास HFE और ये HI कुछ गिवन नहीं, तो इसको आप क्या कर दीजिएगा, पाई मॉडल में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो माइनस RL डैश अपॉन ये क्या हो जाएगा, HI अपॉन, इसको बीटा लिख सकते हो आप, जैसे HFE इज बीटा, यस, इसको आप इस तरह से कह सकते हो। चूंकि आपको पता है कि ये HFE क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, HI क्या हो जाएगा आपका, आर पाई हो जाएगा, इसको बीटा कह सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास क्या जाएगा, आर पाई अपॉन दिस इज बीटा एंड दिस इज 1 प्लस बीटा अपॉन एल, सो बीटा दिस इज वी हैव RE। देखिए ध्यान से, बीटा इज गिवन इन द पिक्चर, यस 200 इयर्स, आर पाई आपको निकालना है, आरएल डैश आपको बताइए हाउ मच वी हैव आरएल डैश। देखिए ध्यान से, आरएल डैश सिंपली मेरे पास 5 किलो हो जाएगा, क्योंकि यहां पे आरएल डैश होता क्या है, आरएल डैश होता है आपका आरसी पैरेलल आरएल, तो यहां पे आरएल तो लगा नहीं है, तो वी कैन इग्नोर इट, यस। सो हियर वी हैव आरएल डैश इज जस्ट 5 किलो, तो आरएल डैश रख देंगे, आर पाई निकालना पड़ेगा। सो हाउ वी गेट बेसिकली द आर पाई, तो आर पाई के लिए मुझे इसकी डीसी एनालिसिस करनी पड़ेगी। एंड हाउ वी परफॉर्म द डीसी एनालिसिस, सो सर डीसी एनालिसिस के लिए आपको क्या करना होगा, कैपेसिटर्स को ओपन करने होंगे एंड सिंपली वी कैन कन्वर्ट इन द लाइक इसका सिंप्लीफाइड वर्जन बना लीजिए बाई अप्लाइंग थेवेनिन, यस। और उसके बाद फटाफट इसमें आप क्या कर सकते हैं, केबल लगा लीजिएगा और आपका IC निकालेगा वहाँ से। वंस वी गेट द IC तो वहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, एक बार इसका अगर IC आ जाएगा तो वहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, GM क्या होगा आपका, IC बाई VT हो जाएगा, क्लियर हुआ कि नहीं। और आर पाई क्या हो जाएगा आपका, आर पाई हो जाएगा आपका बीटा बाई GM, तो वहाँ से आपका आर पाई आ जाएगा, या फिर आर पाई बीटा आपको पता है, GM पता है, GM इज वॉट वन अप, GM इज वॉट यू नो, GM की जगह आप क्या लिख सकते हो, बीटा बाई आर पाई, समझ गए आप। तो दिस इज 1/GM लिखा हुआ है, समझ गए मेरी बात आपकी नहीं। तो एक बार इसको हम क्विकली फिर से अगर रिवाइज करें, तो मैंने क्या किया बेसिकली, सबसे पहले मैंने ये पहचान की कोशिश करी कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपने देखा कि डायरेक्टली पहचान में नहीं आ रहा था, तो हमने इसका थोड़ा सा स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाने की कोशिश करी, लाइक कैपेसिटर को शॉर्ट करा, यस। और साथ के साथ आप ऐसे कह रहे हैं कि डीसी को भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, डिसेबल कर दिया। तो मैंने जैसे इसको ऑब्जर्व किया तो ये कहीं ना कहीं कॉमन एमिटर विदाउट बाईपास की तरह दिख रहा था। तो फटाफट मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया, मैंने देखा इसमें HFE और HI गिवन नहीं है, तो इसको मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने लाइक पाई मॉडल में, ऐसे कह सकते हो आप। तो यहाँ पे ये आर पाई आ गया, बीटा आ गया, उसके बाद अब मुझे आर पाई तो गिवन नहीं, सो इट मीन्स वी नीड टू गो थ्रू इट्स डीसी एनालिसिस। डीसी एनालिसिस करते वक्त कनेक्ट ऑल डीसी सिग्नल्स, ओके, एंड ओपन द कैपेसिटर, बिकॉज फॉर द डीसी शुड बी ओपन सर्किट, क्योंकि उसका रिएक्टेंस इनफिनाइट होता है। उसके बाद आपने इसमें केबल केशन लगा दिया, लगते वक्त आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे इसका VTS निकालो, RTS निकालो और सिंपल सा केबल लगा दीजिएगा, एक बार बेस लूप में, कलेक्टर लूप में, तो IC आ जाएगा। वंस वी गेट द IC तो GM आ जाएगा, और GM आते ही आप वहाँ से क्या निकाल सकते हो, कहीं ना कहीं
आर पाई बाई बीटा, जैसे इसको करोगे तो डेफिनेटली वी सी द आंसर यस, इवन यू कैन ऑल्सो वॉच द कैलकुलेशन सी, देख सकते हैं यहाँ पे आपने सबसे पहले इसका थेवेनिन बना के आई निकाल दिया। इवन हियर वी ओपन द मॉडल, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मॉडल मत ओपन करिएगा, डायरेक्टली रिमेंबर द फॉर्मूला ओके एंड यू गेट द आंसर यस। सो आंसर इज -233.6 के आसपास आपका आ जाएगा। मॉडल ओपन करेंगे तो कुछ भी नहीं है, तो ये मैंने बोला था जो कैमीटर और ग्राउंड के बीच में आपके पास 10 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा, बाकी आपने बीजेटी को उसके लाइक पाई मॉडल से रिप्लेस कर दिया। ओके सो दिस इज बेसिकली वी हैव ए आर पाई यस, दिस इज बीटा इनटू आईवी, तो होप सो यू कैन नोट द सॉल्यूशन यस। सो थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.